हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात करने लग रहे हैं उस स्टॉक का नाम है AYM सिंटेक्स लिमिटेड कंपनी। ये देखिए, ये 29 मई 2020 को केवल 15 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर सितंबर 2021 में ये 106 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर जनवरी 2022 में ये 136 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था। तो इस स्टॉक ने 1 साल और 7 महीने में ही 15 रुपये से 136 रुपये को इसने टच किया है। तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के इसने अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। एक फंडामेंटल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये और एक लगातार एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी भी है ये। और इसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 73% से ऊपर की बनी हुई है। तो एक बहुत ही शानदार कंपनी है ये। तो ये जो कंपनी है ये एक मल्टीपोलीमर सिंथेटिक यार्न बनाने वाली कंपनी है ये। और ये इंडिया की सबसे बड़ी बल्क में फिलामेंट यार्न बनाने वाली कंपनी भी है और ये एशिया में एक लीडिंग मल्टीपोलीमर यार्न रंगाई घर भी है। तो ये जो कंपनी है ये फिलामेंट यार्न हो गया, औद्योगिक डाइड यार्न हो गया, ऑटोमोटिव यार्न हो गया, टेक्सटाइल्स यार्न हो गया, पैकेज डाइड यार्न हो गया, शीविंग यार्न हो गया। तो इनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। और इसके जो ये धागे होते हैं इनका जो उपयोग किया जाता है वो कालीन चटाई, कालीन फैब्रिक, जाल, रसिया, थ्रेड्स, होम टेक्सटाइल्स, होजरी और डेनिम में किया जाता है और डेनिम इन उद्योगों में किया जाता है। और इस कंपनी के पास सिलवासा और पालघर महाराष्ट्र में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। और ये जो कंपनी है 50 से भी अधिक देशों में अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको ये एक्सपोर्ट करती है। इनमें से जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया, UAE, UK, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, तो ये इसमें प्रमुख हैं जिनमें ये अपनी जो प्रोडक्ट है ये एक्सपोर्ट करती है। और ये जो कंपनी है इसके पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट भी है। पेज इंडस्ट्रीज हो गया और गॉडफ्रे हार्ट ऑस्ट्रेलिया कंपनी हो गया, इनको भी ये जो कंपनी है अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसके जो टॉप के जो 5 क्लाइंट है उनसे ये जो कंपनी है 25% का रिवेन्यू जनरेट करती है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 354 करोड़ की है। इसका जो 52वीं इकाई है वो 94 रुपया है और इसका जो 52वीं इका लो है वो 52 रुपया 50 पैसे है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 83 रुपया 50 पैसे है और इसके ऊपर जो डेट ऑफ इक्विटी है वो 0.66% का है, यानी कि एक थोड़ा बहुत कर्जा भी है इसके ऊपर। और जो प्रमोटर है उनकी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। इसकी जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों की वो 12.4% के हिसाब से बड़ी है। इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज है वो 337 करोड़ की है और इसकी जो टोटल एसेट है वो 920 करोड़ की है। और ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक ही रहती है। तो एक महीने की अगर आप इसमें एवरेज देखोगे तो इसमें 26,834 शेयर की जो क्वांटिटी है वो ट्रेड हुई है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 164 रुपया है और इसका जो ऑल टाइम लो है वो 3 रुपया 50 पैसे है। और ये देखिए, अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो इसकी जो सेल्स है वो क्वार्टर वाइज लगभग 300 करोड़ रुपये से ऊपर की रहती है। मार्च 2023 में इसने 330 करोड़ की सेल्स की है और जून 2023 के क्वार्टर में इसने 320 करोड़ की सेल्स की है। इसकी जो अदर इनकम है वो भी क्वार्टर वाइज 2 करोड़ 2 करोड़ ऐसे हो जाती है, यहाँ पे नेगेटिव है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 1 करोड़ का 1 करोड़ का 5 करोड़ का ये देखिए, नहीं तो वो पॉजिटिव ही रहता है 14 करोड़ का 13 करोड़ का ऐसे। और इसके ऊपर जो कर्जा है अभी वो 276 करोड़ का है। इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बढ़ने लग रही है, 294 करोड़, 308 करोड़, 360 करोड़, 370 करोड़ की है अभी। और इसका जो CWIP है तो इसमें 31 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने लग रहे हैं। जैसे ये बनके तैयार हो जाएंगे इसकी जो सेल्स है वो भी बढ़ जाएगी, इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी और इसके ऊपर जो कर्जा है थोड़ा बहुत वो भी कम हो जाएगा। और ये देखिए, इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है, 815 करोड़, 836 करोड़, 927 करोड़, अभी 920 करोड़ की है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 73.86% की बनी हुई है और जो प्रमोटर की जो ये होल्डिंग है ये कहीं भी प्लेज नहीं है।
और इसमें जो FII की होल्डिंग है वो 0.09% की बनी हुई है, और जो DII की होल्डिंग है इसमें 0.015% की बनी हुई है, और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में वो 11,210 है। तो देखिए अभी जो ये स्टॉक है ये 69 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। एक बहुत ही फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है 73% से ऊपर की बनी हुई है। तो ये ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में भी आपको एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के ये कंपनी आपको दे सकती है। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें, और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाए। तो ये ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में भी आपको आसानी से ये बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो आप इसकी 50 क्वांटिटी हो गया, 100 क्वांटिटी हो गया, ऐसे करके इसको बाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।